नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल माय हेल्थ डेटा, तो मैं हूं दोस्तों। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिको फास्ट टैबलेट के बारे में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे रिको फास्ट टैबलेट के क्या यूजेज हैं, क्या इसके फायदे हैं और इसे किस तरीके से यूज किया जाता है, इसके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं और इसे कितने आयु वर्ग के लोग ले सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, इसी तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ऐसे ही देख रहे हैं ये रिको फास्ट टैबलेट है। दोस्तों रिको फास्ट टैबलेट जो है आपको 10 टैबलेट की पैकिंग में उपलब्ध होती है और इसकी कीमत ₹55 है। इसको सेरिया कंपनी बनाती है और इसके अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो इसके अंदर कंपोजिशन है पैरासिटामोल क्लोरोफेनाइन, इस तरीके से कंपोजिशन इसके अंदर। यह आपको अगर किसी भी तरीके का जुकाम है, एलर्जी है, बार बार छींक आता है, नाक से पानी आता है, गले में दर्द रहता है आपको, यानी थ्रोट में पेन रहता है, कान में कान बंद हो जाता है जुकाम की वजह से, तो उसमें ये जो दवाइयां होती है काफी इफेक्टिव होती है। या 12 साल से अगर आप ऊपर हैं तो इस दवाइयों को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे नीचे के लिए ये सिरप फॉर्म में उपलब्ध होता है, तो उससे नीचे के जो बच्चे हैं उनके लिए आप सिरप में आप जो दे सकते हैं डॉक्टर के सलाह के अनुसार। अगर आपको थोड़ी बहुत बुखार है, फीवर है, तो उसमें भी ये दवाइयां जो है काम आता है, क्योंकि इसके अंदर पैरासिटामोल होता है। अगर आपको हेडेक वगैरह, सर में दर्द और जुकाम की वजह से होती है तो सरदर्द की दवाई आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, आपको रिको फास्ट टैबलेट से ही आपको ये जो प्रॉब्लम है बिल्कुल ठीक हो जाती है। कई मामलों में जो जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है, जो बार बार जिनको जुकाम छींक आता है, उसमें भी ये जो दवाई है डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इस दवाई को कंटिन्यू सुबह और शाम इसे आप 5 दिन तक ले सकते हैं। ये दवाई आप कंटिन्यू नहीं ले सकते, ये हमेशा लेने वाली दवाइयां नहीं होती है, तो इसे जब भी ले आप इसे ज्यादा से ज्यादा 1 वीक तक इसको मैक्सिमम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज्यादा अगर इस्तेमाल करना हो तो किसी डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों इसके लेने के साथ साथ कुछ सावधानी भी बरतनी चाहिए। अगर आप बच्चों को दूध पिलाती, लैक्टेटिंग वुमेन है, मैंने बच्चों को दूध पिलाती है, प्रेगनेंसी है, तो इस चीज में इसको अवॉइड करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर आप ड्राइविंग करते हैं, अगर लीवर और किडनी के पेशेंट है, तो भी इस दवाई को आप नहीं लेने चाहिए। इस दवाई को लेने से थोड़ी बहुत आपको डोजिनेस यानी कि हल्की नींद आने की भी जो प्रॉब्लम है देखने को मिली है। अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आती है तो आप इस टैबलेट को खा के आप ड्राइविंग वगैरह से बचें। साथ ही साथ अगर साइड इफेक्ट की बात करूं तो कोई ज्यादा इसके साइड इफेक्ट नहीं हुए। कई मामले में किसी लोग एलर्जी भी हो सकती है, अगर इस सॉल्ट से आपको एलर्जी होती है तो। साथ साथ कई लोगों को इसे वोमिटिंग वगैरह की प्रॉब्लम होती है, इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो इस दवाई को स्टॉप करें और डॉक्टर से सलाह जरूर लें। दोस्तों ये रहा इसके बारे में पूरी जानकारी। अगर आपको लगता है कि मेरा वीडियो अच्छा था, एक लाइक जरूर करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। तो आपने मेरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।